इस वीडियो में जानेंगे कि भगवान राम जब अयोध्या में थे और फिर वनवास के लिए गए तो उनकी आयु थी 27 वर्ष, लगभग 27 वर्ष के थे। लेकिन दशरथ भगवान श्री राम को वनवास भेजना नहीं चाहते थे, इसलिए वे तो वचनबद्ध थे क्योंकि उन्होंने कैकेयी को वचन दिया था। लेकिन भगवान को कोई रोकने का उन्हें उपाय नज़र नहीं आया भगवान श्री राम को, तो उन्होंने ये कह दिया कि तुम मुझे बंदी बना लो और स्वयं राजा बन जाओ। जब प्रभु राम के भाई लक्ष्मण ने रावण की बहन सुरपंखा के नाक कान काट दिए थे क्रोधित होकर, तो सीता का हरण किया था तब रावण ने, लेकिन स्वयं सुरपंखा ने भी क्या किया था, रावण का सर्वनाश होने का शाप दिया था। सुरपंखा के पति का नाम था विदुत जीव और वो कालके नाम के राजा का सेनापति था। रावण जब इस युद्ध पर निकला तो कालके से उसका युद्ध हुआ और उस युद्ध में रावण ने विदुत जीव का वध कर दिया। तब सुरपंखा ने मन ही मन रावण को शाप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश हो जाएगा। जिस दिन रावण सीता का हरण करके अपनी अशोक वाटिका में लाया, उसी रात को भगवान ब्रह्मा के कहने पर देवराज इंद्र माता सीता के लिए खीर लेकर आए। पहले देवराज ने अशोक वाटिका में उपस्थित सभी राक्षसों को मोहित कर सुला दिया, उसके बाद माता सीता को खीर अर्पित की जिसके खाने से सीता की भूख प्यास शांत हो गई। उसके बाद सीता हरण करते समय जटायु नामक कीट ने रावण को रोकने का प्रयास किया और उसके अनुसार जटायु के पिता अरुण हैं, ठीक है, ये अरुण ही भगवान सूर्यदेव के रथ के सारथी हैं। जब भगवान राम और लक्ष्मण वन में सीता की खोज कर रहे थे उस समय कबंध नामक राक्षस जिसके हाथ बहुत लंबे लंबे थे का प्रभु राम लक्ष्मण ने वध कर दिया था। कबंध एक शाप के कारण राक्षस बन गया था। जब श्री राम ने उसके शरीर को अग्नि में समर्पित किया तो वह शाप से मुक्त हो गया। कबंध ने श्री राम को सुग्रीव से मित्रता करने के लिए कहा था। जब काफी समय तक राम रावण का युद्ध चलता रहा तब अगस्त्य मुनि ने श्री राम से आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करने को कहा, जिसके प्रभाव से भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। धन्यवाद दोस्तों, ये रामायण की कहानी है।